दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मैच में हार्दिक पांड्या बने गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड के हकदार, लेकिन दोस्तों अवार्ड लेने से ही कर दिया उन्होंने इनकार। रिंकू सिंह के पास जा उनको गले लगा, अपना अवार्ड देकर जो दिल छू लेने वाली बात कही वो सुनने के बाद पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों, आखिरकार हार्दिक पांड्या ने रिंकू सिंह को अपना अवार्ड देकर जो कहा है ना, वो तो सुने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में रिंकू सिंह के 53 और नीतीश कुमार रेड्डी के 74 रन की बदौलत 221 रन बनाए। अब दोस्तों, बांग्लादेश के आगे 222 रन का लक्ष्य रखा गया, लेकिन बांग्लादेश की पूरी पारी 135 रन पर ही सिमट गई, जिसके चलते भारत ने यह मैच 86 रन से जीत लिया। और दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत के सबसे बड़े हीरो रहे नीतीश कुमार रेड्डी। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जब भारत के 41 रन के कुल स्कोर पर 3 बड़े विकेट गिर गए थे, तब नीतीश कुमार ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 74 रन बनाए थे, तो वहीं उनका साथ निभाते हुए रिंकू सिंह के बल्ले से भी 53 रन निकले थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर बांग्लादेश के लिए बस महमदुल्ला ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 41 रन की पारी खेली, बाकी कोई भी उनकी तरफ से 16 रन से ज्यादा बना नहीं पाया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि भारत ने 86 रन से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। वहीं दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस मुकाबले में जितना योगदान नीतीश राणा और रिंकू सिंह का था, उससे कई गुना ज्यादा योगदान हार्दिक पांड्या का भी रहा। दरअसल दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने सबसे पहले तो 19 गेंदों में 32 रन जड़कर पूरे देश को बता दिया कि वो अभी भी बल्लेबाजी में दम रखते हैं। और दोस्तों, फिर इस दौरान उन्होंने कई कैचेस ऐसे लिए जिसके चलते मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। और दोस्तों, यहां पर ऐसा मैच पलट देने की वजह से उनको गेम चेंजर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। और दोस्तों, यहां पर लेकिन यह अवार्ड हार्दिक पांड्या ने खुद लेने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने यह अवार्ड रिंकू सिंह को देकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या यहां अपना अवार्ड रिंकू सिंह को देने के बाद कहते हैं कि देखिए, मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट में किसी एक खिलाड़ी की बदौलत टीम नहीं जीतती। अगर आप गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड मुझे देना चाहते हैं तो मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर यह अवार्ड उस हाथ में जाए जो कि इसका सही मायने में हकदार है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिंकू सिंह को एक भी अवार्ड नहीं दिया गया, बल्कि उसने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, 29 गेंदों में 53 रन बनाए, वो भी उस वक्त जब भारत की टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और साथ में नीतीश कुमार रेड्डी को भी उसने अपने हिसाब से आगे बढ़ाया और उसी को कोई अवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन मैं जानता हूं कि इस गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं बल्कि रिंकू सिंह है, इसलिए मैं अवार्ड ये ले नहीं सकता और रिंकू सिंह को मैं यह अवार्ड देना चाहूंगा। और दोस्तों, रिंकू सिंह को गले से लगा हार्दिक पांड्या ने अपना यह अवार्ड देने के बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। बाकी दोस्तों, अब आप सभी क्या मानते हैं कि रिंकू सिंह को अपना अवार्ड देकर हार्दिक पांड्या ने सही किया या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली कोई ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।